हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C61 फ़ोन में आप लोग डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C61 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आपको डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपका जो स्क्रीन का कलर है गाइस वो ख़राब हो चुका है, कुछ नेगेटिव टाइप का जो है यहाँ पर नेगेटिव जो है यहाँ पर स्क्रीन हो गया आपका, कुछ भी फ़ोटोज़ वीडियोस वगैरह देख रहे हो उसमें भी पूरा नेगेटिव कलर देखने को मिल रहा है, मतलब आपका जो डिस्प्ले का कलर है गाइस वो पूरा ख़राब हो चुका है, तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस एक्सेसिबिलिटी का, तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर इन्वर्शन का, तो इस कलर इन्वर्शन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यूज़ कलर इन्वर्शन का ऑप्शन आएगा। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, आपका जो स्क्रीन का कलर है गाइस डिस्प्ले का कलर है पूरा नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कलर हो जाएगा, तो इसको ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पर जो ये स्विच है अगर ये ऑन है इसको ऑफ़ कर देंगे। ऑफ़ करते ही आपका जो डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम है गाइस वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसको ऑन करने से क्या होता है गाइस, डार्क मोड ऑन हो जाता है और जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह है वो थोड़ा सा जो है कलर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसको ऑफ़ करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने रियलमी C61 फ़ोन में डिस्प्ले कलरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।